दिन है कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और सीनियर सिटीजन थे जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, उन सबको बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज लगाई जा रही है, क्योंकि हम सबको पता है कि इस समय ओमिक्रॉन की थर्ड वेव चल रही है और बहुत सारे लोग जिन्होंने 9 महीने पहले वैक्सीन लगाई थी वो लोग दोबारा ससेप्टेबल हो गए हैं कि उनको दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है, और बहुत सारे लोग ऐसे इन्फेक्ट भी हो रहे हैं। तो हमें इस समय दो लोगों को बचाने की जरूरत है जो सबसे हाई रिस्क में, पहला जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, क्योंकि डॉक्टर नर्सेस अगर ये बीमार पड़ गए, जैसा खबरें आ रही है बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, तो मरीजों को कौन संभालेगा। तो इसलिए डॉक्टर्स को नर्सेस को आज वैक्सीन लग रही है, अभी तक 400 लोगों के स्लॉट बुक हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा हाई रिस्क एरिया है वो है हमारे सीनियर सिटीजन, जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं या जिनको कुछ साथ में बीमारियां हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, अस्थमा है, सीओपीडी है, डायलिसिस में है, कैंसर पेशेंट्स हैं, तो इन लोगों को जरूर वैक्सीन लगानी चाहिए, बिकॉज इनको हल्की बीमारी भी सीरियस हो सकती है। और हेल्थ केयर वर्कर्स को इसलिए जरूरत है क्योंकि इन सबको मरीजों की केयर करनी है, मरीजों को इलाज देना है, अगर इलाज देने वाला ही बीमार पड़ जाएगा तो इलाज कैसे होगा। तो इसलिए ये आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक 150 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और अगले स्लॉट्स बुक हैं, वॉकिंग लोग बहुत सारे आ रहे हैं, मुझे लग रहा है संभवतः आज लगभग 700-800 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी फिलिप्स हॉस्पिटल में। और एक बात और बताना चाहूंगा, फिलिप्स हॉस्पिटल देश का ऐसा पहला अस्पताल है जहां पे 24 घंटे वैक्सीन लगाई जा रही है कोरोना की शुरुआत से। तो हम लोग कोरोना के खिलाफ एक जंग की तरह लड़ रहे हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि जल्द से जल्द हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जाए। मेरा नाम डॉक्टर रती है। मैम, फ्रंट लाइन वर्कर को वैक्सीन लग रही है, आपको भी लगी है जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? इट्स एक्चुअली वेरी गुड कि हम फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीनेटेड हम फील हो रहे हैं, वी फील कि हम बहुत प्रोटेक्टेड हैं। एंड आई वुड वांट कि सब लोग जितने भी हैं इंडिया में फ्रंट लाइन वर्कर्स, सब अपनी जाके अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, सिक्योर फील हो और दूसरों को भी इसकी जागरूकता दे कि वो जाएं और अपने आप को वैक्सीनेटेड करवाएं।